जो बार एसोसिएशन में, जो हमारी अब तक बार एसोसिएशन सरकार के माध्यम से हमारे कोई पैसा नहीं आ रहा। हम पैसा नहीं तो 3 साल की योजना में हमारे 10 करोड़ रुपये लग लेते। अब तक हमारे खाली 40 लाख रुपया काम हुआ, जो 26 लाख रुपये पहले के देके गया और बाद में कोई पैसा ही नहीं आया। इंसान को एक तो वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, और एक एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। डालोगे या नहीं डालोगे मेरी पहले तो बताओ। आएगा, आएगा, वाला अभी मैं भी लूंगा, अच्छा। आएगा मेरा। और ठीक है, बस हो गया, अब किसी और को मौका दो। इनको त्यागना चाहिए अपना टाइम, औरों के लिए मौका होना चाहिए। ये तो डिबेट सी बन गई किसी में। पिछली बार तो पत्ते तो नीति सी बात है, दुष्ट शर्मा रहे हैं तो अब एक बार उन तो मिलकर आए हो कि तैयारी होने की बुझी, क्योंकि आपका तो प्यार आपका भाईचारा है जी। इस बार जो मेरे को सुनने में आया, मैं उसे पर्सनली भी मिला हूं। नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, चुनाव की प्रक्रिया जहां पे होती है वहां पे चलता लोकतंत्र के। लोकतंत्र की यह परिभाषा है कि चुनाव आए, चाहे वो 6 महीने का चुनाव हो, चाहे वो 6 साल का हो, चाहे वो 5 साल का हो, चाहे वो एमपी का हो, चाहे वो एमएलए का हो, चाहे वो नगर परिषद का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, पंचायती हो या किसी और प्रकार का हो। तो जी, चुनाव है 15 दिसंबर का, कोर्ट परिसर का भी और इस चुनाव का भी बहुत बड़ा एक महत्व है। हर बार इस चुनाव के अंदर एक महत्व देखा जाता है, चुनाव चाहे एमएलए का हो, चाहे एमपी का हो। चुनाव यो एमपी और एमएलए चुनाव भी कमियों भी कौन रहे, क्योंकि बार एसोसिएशन चुनाव वो है। महेश भारद्वाज जी अपनी प्रतिष्ठा रखते हैं, अपना काम रखते हैं और कहीं ना कहीं अपनी एक कोर्ट परिसर के अंदर साख रखते हैं और सभी गणमान्य व्यक्ति प्रतिष्ठा जी। देखो जी, मैं नाम सभी का जानता नहीं, मैं इसके लिए माफी चाहूंगा। तो मेरे साथ मैं सत्यदीप लानिया भी, हाँ, इनके तो कहूँ के चौथी बार की तो मतलब लग गए मेरा इंडिया के हैं या ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया सारे हैं, हर बार जीत जाए हैं। है, नमस्ते, पहले शुरू आप तो करूँ काट देना फोन ना। है, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ भाई, आप सुनाओ। मैंने आपको ढूंढ दिया, धन्यवाद मेरे भाई। मैं तो चेंबरों में रहता हूँ वकील साथियों के साथ। चेंबर में रहा कार्यक्रम रहो हो, तीसरी बार उमड़ उमड़ के प्यारों उमाड़ा है, चौथी बार चौथी बार क्यों बनोगे जी? अब की बार भी आप भी बैटिंग पे हैं जी? बिल्कुल हूँ, और मैं 15 दिन से चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगा हुआ हूँ। अपने 3 साल के कार्यकाल के दौरान जो काम किए हैं वकीलों के साथ, जो दिन रात में रहा हूँ, उसके दम के ऊपर मैं अपने वोट मांग रहा हूँ और चुनाव प्रक्रिया। अब अपने जो 1 साल पूरी होने जा रही है, अब इसके काम बताइए, आपने अपने इसी साल में क्या क्या काम? इस साल में हमारे जो वॉशरूम की जो समस्या थी, अच्छा, वो पूर्णतः चेंबर्स की खत्म हो गई इस साल। अच्छा, जो 3 वॉशरूम बचे हुए थे वो भी कंप्लीट करके हमने वकीलों के दे दिए हैं और वो सुविधाएं उपयोग में आ गई हैं। एक बड़ा वॉशरूम जो नीचे सबसे ज्यादा जिस पे लोड रहता है, उसके लिए भी पंचायती राज से 11 लाख रुपए सैंक्शन करवा लिए हैं। उम्मीद है 5-7 दिन में उसका भी काम शुरू हो जाएगा। और इस बार का एक बहुत बड़ी जो हमारी 70 साल पुरानी जो लिटिगेंट हाल है, उसको वाटर प्रूफिंग, वो छत बिल्कुल खराब हो गई थी, डैमेज हो गई थी। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट, जिला बारसून का कोई पैसा खर्च नहीं है, लगभग 60 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 15,000 स्क्वायर फीट में वाटर प्रूफिंग करवाई है, उसमें डीसी साहब के माध्यम से, BNDR के माध्यम से। तो हमने एक बहुत बड़ी जो वर्षों पुरानी मांग थी, जिसके ऊपर आज तक कितने प्रधान बने, किसी ने छत पे जाके ये भी नहीं देखा कुछ छत के ऊपर क्या है। हमने 8-10 ट्रोलियां मिट्टी की, गंदगी की, बढ़ने की है। 3 साल तो आपका राज है, भी प्रधान बना कौन का ना? उससे पहले भी बहुत प्रधान, उससे पहले बहुत प्रधान रहे, उन्होंने किसी ने नहीं ध्यान किया। मैंने फर्स्ट टाइम से उसकी सफाई करवाई, रंग रोगन करवाई, इस बार उसकी वाटर प्रूफिंग करवा दी और 25 साल तक उसकी लाइफ बढ़ गई उस छत की। इसी तरह से हमने वकीलों के लिए स्वच्छ पानी पिलाने की पूरी व्यवस्था कर रखी है, नए हमने टैंक बनवाए, ऊपर सारे आरओ सिस्टम हमने लगवाए, हर महीने उनकी अच्छी मेंटेनेंस करवा के अच्छा पानी हमारे वकील साथियों को मिले उसका प्रबंध किया गया, पूरी साफ सफाई की व्यवस्था को ध्यान में रखा गया। वकीलों के हक और हकूक की लड़ाई हमेशा, दिन हो या रात हो, मैं लड़ाई लड़ता हूँ, मेरी पूरी टीम। लाइब्रेरी इस योजना बनी है, पिछली योजना बनी है, अब जो मन लगे जी, लाइब्रेरी जो जो इधर वाली लाइब्रेरी थी, जो मेन लाइब्रेरी, वो पिछली बार कंप्लीट हुई थी इन्हीं दिनों में। अच्छा, और इस बार ई लाइब्रेरी है, उसके अंदर कुछ योगदान हमारे श्री RP जैन एडवोकेट, उनके परिवार ने उसमें योगदान किया, उसमें भी 12 सन का कोई पैसा नहीं लगा, उनकी वाइफ ने इसमें पैसे खर्च किए। और जो AC लगे हैं उसमें हमारे एक वकील साथी जो RP जैन के जूनियर थे, मुकेश खरकिया जी, उन्होंने डोनेट किए जिला 12 सन का,
तो उन दोनों फैमिली का और वकील साथियों का मतलब बड़ा आभारी रहूंगा कि उन्होंने वकीलों के लिए एक आपका सपना भी था जो यहाँ पे आगे पार्किंग वाली व्यवस्था है, यहाँ पे वो लिफ्ट लगाने का है और बिल्डिंग बिल्डिंग बनाने का है, वो सपने का कहां तक पहुंचा, क्या रहा है उस सपने के लिए? पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ गई थी, वो आने के बाद एसीएस होम से भी सारी रिपोर्टें आ गई थी, चैम्बर निर्माण शुरू होने वाला था, नक्शे हमने तैयार करवा लिए थे, उसके बाद दोबारा से वो बीएनडीआर के पास चली गई फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए दोबारा, वो भी कंप्लीट करवा के अभी डीसी साहब के से और जिला प्रशासन के बीच में एमओयू साइन होना है। अब इलेक्शन आ गए, चुनाव कमेटी बन चुकी है, तो ये नेक्स्ट टाइम में ये मेरा जो सपना है ये पूरा जरूर होगा। तो अब की बार आपने क्या क्या एक मैनिफेस्टो निकालते पार्टियां जी, वह पार्टियां तो होनी, आप तो एक बार एसोसिएशन है जी, तो आपने अपना मैनिफेस्टो क्या निकाला, अब की बार योजना में ये करवाने का काम करूंगा जो मैं पिछले मैंने ये करवाया। बिल्कुल जी, एक तो हमारा जो मीटिंग हॉल है जो तैयार हो गया उसकी छत को वाटर प्रूफिंग करवाना, और जो बाहर का लिटिगेंट हॉल है उसको सेंट्रलाइजेशन करवाना, और हमारे जो चैम्बर बी ब्लॉक के पास जो बनने हैं उन चैम्बरों का निर्माण करवाना, लिफ्ट सिस्टम को ठीक करना और एक नई लिफ्ट की व्यवस्था करना मेरे मैनिफेस्टो में है, और कंज्यूमर कोर्ट का हमेशा से मैं प्रयासरत रहा हूँ। और जब यहाँ पर जयवीर सिंह आर्य जी आईएएस थे उस टाइम उसके सब कुछ तैयारियां हो चुकी थी और वो फर्नीचर भी आ गया था, वाइट वॉश हो गया था, वो किन्हीं कारणों से उनकी बदली होगी, उसके बाद वो फिर हमारा सपना था वो धूमिल हो गया, उसको फिर से मैं लगा हुआ हूँ और मैं आशा करता हूँ इस पीरियड के अंदर उसको मैं पूरा। वैसे आपके जो वकील साथी की आवाज है वो ये आवाज है जो आप कोर्ट में टीम लाते हैं चुनाव आयोग के लिए, उसमें कहीं पारदर्शिता नहीं है कि अब की बार उस कमेटी के ऊपर कहने की किससे मार्क उठा है, तो वो खुल के बताओ किससे मार्क किस नाम का है। बिल्कुल जी, हमारे 70 साल से जब से ये सिस्टम है बार एसोसिएशन का, उस टाइम से आउट गोइंग प्रेजिडेंट है वो हमेशा जनरल हाउस में इलेक्शन कमेटी की घोषणा करता है और वो सभी को मान्य होती है, और जो ये कमेटी है ये कोई आज नहीं बनी, ये हमेशा से कुछ सदस्य तो मेरे ख्याल 10 साल से इसके अंदर है जो इलेक्शन कराना जानते हैं। कई वकील साथी ऐसे हैं जो अपनी प्रैक्टिस में बिजी हैं, वो उस कमेटी में भी नहीं जाना चाहते, तो इस बार 7-8 आदमियों ने वकील साथियों ने जिसमें एक हमारा जो मेरे सामने प्रत्याशी वो भी उसमें शामिल थे, उन्होंने जाके 8-10 आदमियों ने विरोध किया। विरोध करने के बाद हमने कह दिया था भाई हमने बार काउंसिल के पास भेज दिया, बार काउंसिल जो भी करेगी, बार काउंसिल ने उसमें कुछ सदस्य ऐड भी कर दिए, उसके ऊपर एक वाइस चेयरमैन भी लगा दिया, 2 ऑब्जर्वर भी लगा दिए, हमारे कोई दिक्कत नहीं है, जो वकील वोट डालेंगे गिनती उनकी होनी है। पारदर्शिता की बात आ रही है, पारदर्शिता की बात, पारदर्शिता हमारे वकील सभी पढ़े लिखे हैं, उसमें किसी प्रकार की कुछ वोटिंग राइट वकील को ही है, वकील ने वोट डालनी है उसमें पारदर्शिता तो 100% कुछ नहीं। कुछ संगमार्ग लगाने का क्या कारण भाई, इस कमेटी को ऊपर के ईसा है कि जो कमेटी पारदर्शिता काम करती हुई नहीं दिख रही, या मेरे पक्ष में काम करती हुई दिखी, या फिर किसी और पक्ष में काम? देखो विपक्ष हमेशा झूठे एलिगेशन लगाने का प्रयास कर रहा है, इसमें पूरे भी हुआ है झूठे एलिगेशन वगैरह, ये जो हर समय होता है, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, उसमें 25 मेंबर आ जाएं, इनको हटा दे मेरे कोई दिक्कत नहीं है, नई कमेटी बना दे मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं वकीलों के पास वोट मांगने जाऊंगा, वोट डालेंगे तो रिजल्ट आएगा। कमेटी के ऊपर एलिगेशन लगाना वो हमारे वकील है, उनके ऊपर एक शर्म आनी चाहिए किसी ने भी एलिगेशन लगाने से पहले, अगर हमारे वकील साथियों के ऊपर एलिगेशन लगाए, वकील साहब क्या पता उनको टीम के जो चयन करता है जो काम करने वाले लोग पसंद ना हो, या कहीं ना कहीं सरकार के अंदर के काम देखे, कि आज भाजपा सरकार की बात करूं तो आज ईडी है, सीबीआई है, सारा मीडिया यह बात कहे कि आज उनका दिन काम करा है, यागा सौदा भी कहते आपका दिन काम करता हो, क्या आवाज है वकीलों की? बिल्कुल बिल्कुल, ये हो सकता है कि भाई जैसे ईडी अगर मोदी के अंडर काम कर रही है, आवाज है मीडिया में, तो वो पता नहीं क्यों कह देते हैं। मेरे को तो कभी ये नहीं लगता कि भाई कोई कमेटी किसी प्रकार की कोई पार्शलिटी कर सकती है, मैं ये कहता हूँ वो खुद बना लें अपनी कमेटी, मैं उस पर चुनाव कराने के लिए तैयार हूँ, वो बना के मैं कहीं मना नहीं करूंगा किसी को भी चुन के, और उसे इलेक्शन करवा लें, मैं तो मना कर ही नहीं रहा। अच्छा जी, एक चीज यहाँ पे देखने लायक है कि यहाँ पे पक्ष और विपक्ष दोनों चीज बैठी है, क्योंकि अगर भूमिका की बात करूं तो जितने भी चेहरे हैं ये किसी एक के वो नहीं, उम्मीदवार नहीं है, किसी एक के साथी नहीं है, ये सभी के साथी हैं, लेकिन यहाँ का चुनाव जो है ये एक भाईचारे का प्रतीक है, चाहे वो पक्ष के हैं, चाहे वो प्रतिद्वंदी हैं, चाहे वो किस तरह के भी हैं, लेकिन वो एक साथ हैं, एक मीटिंग के अंदर है, या सबसे बड़ी मिसाल है इस बार के लिए कि भाईचारा ना खराब हो, वोट चाहे सैकड़ों बार पड़ते रहे। और भिवानी बार एक ऐसी ऐतिहासिक बार है, इलेक्शन के दौरान 10-15 दिन तो हम अलग अलग हो सकता है, मैं किसी का वोट मांगू, महेश भाई किसी का मांगे, सुनील भाई किसी का मांगे, जैसे ही रिजल्ट आता है ये लोग तो आगे तक वोट अलग मांगे, मैं कह रहा हूँ किसी का भी मांगे, ये तो अलग मांगे, चाहे किसी का भी मांगे, मेरे को उसमें कोई एतराज नहीं होता,
और जैसे ही इलेक्शन हो जाता है हमारा भाईचारा इसी तरह से चाय पीना साथ बैठना, उसके बाद इलेक्शन के मुद्दे खत्म। फिर नेक्स्ट टाइम फिर एक साल बाद फिर इलेक्शन आता है, फिर हम आमने सामने होके इलेक्शन लड़ते हैं, हमारा भाईचारा है। अच्छा जी एक चीज और सवाल आ गया, मेरे याद है भाईचारा सवाल आ गया कि यहाँ पे लेकिन आते 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 जब कुछ घंटे रह जाते ना फिर वो जाति का रूप भी लेने ले है, क्योंकि यह आवाज पिछली बार भी उठी थी और सरसटा पूरा लगा क्योंकि मैंने पिछली बार आपको चुनाव कवर कराया था। भाई साहब आपको मैं पहले की तो मैं बता नहीं सकता, 3 साल से मैं दावा करता हूँ जाति पाति जिला बार एसोसिएशन में खत्म कर दी चुनाव में थी। अब नकार नहीं देते इस बात को, कुछ लोग बनाने का प्रयास करते हैं ना, कुछ लोग बनाने का। अगर जाति की बात होती तो मैं एक भी इलेक्शन नहीं जीत सकता था। यह बात मेरे कुछ समाज मेरे बढ़ गया है, वकील से सवाल करूं कल मेरे केस कर दोगे क्योंकि यह चीज तो आपने अपसेट करनी पड़ेगी क्योंकि यह चीज थी आपके। मैं कह रहा हूँ अब 3 साल से खत्म होगी, कुछ लोग प्रयास करते हैं इसको जातिगत रंग देने का, फिर जिला बार एसोसिएशन के पढ़े लिखे हमारे अधिवक्ता साथी है वो सिरे से नकार देते हैं इस बात को, जो काम करने वाला है वो प्रधान बनेगा। तो अब की बार कौन कौन प्रतिद्वंदी तैयार होने लग रहे हैं, कौन कौन आओगे, कौन कौन फाइट देंगे, क्योंकि सत्यजीत पुराने छोटा नाम तो रहा है कोनी, ये भी पूरे प्रदेश के लिए एक बार प्रशासन चुनाव एक गर्व की बात है अपने अधिवक्ता के लिए अपने साथियों के लिए कि बार बार लगातार काम के आधार पर सत्यजीत पुराने बनता जा रहा है। अजय भाई मैं तो एक चौकीदार और सेवक के रूप में मोदी जी बनूंगा सेवक के रूप में मैं काम करता हूँ यहाँ और 24 घंटे मैं वकीलों के हित के लिए तैयार रहता हूँ। तो वकील जब तक मेरे को चाहेंगे वो प्रधान बनाएंगे, जिस दिन मेरे को हरा देंगे या मना कर देंगे इलेक्शन लड़ने के लिए मैं छोड़ दूंगा, ये किसी की बापोती नहीं है। काम के आधार पर नेता चुने जाते हैं, चाहे वो वकील साथी के रूप में हो चाहे वो किसी और साथी के रूप में। पिछली बार तीसरी बार युधिष्ठिर शर्मा रहे हैं, तो अब एक बार उन मैंने क्या हो किया तैयारी होगी बुझी, क्योंकि आपका तो प्यार आपका भाईचारा है जी। इस बार जो मेरे को सुनने में आया, मैं उसे पर्सनली भी मिला हूँ, तो वो कह रहे हैं इस बार मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा। अच्छा। बाकी देखो इलेक्शन है, किसका मन करे कौन लड़े, अरे अभी तो टाइम बचा हुआ है, कौन प्रत्याशी होगा कौन नहीं होगा, संभावित प्रत्याशी अभी हैं, उनके नाम सुनने में आ रहे हैं, तो अभी ये कन्फर्म भी नहीं है कौन लड़ेगा कौन नहीं। लेकिन हाल सारा कर दिया होल्डिंग बधाई संदेश देना चक्कर में अपने चेहरा चमका गए हैं, ये बात न कर भी कौन सको। अजय भाई मेरा तो एक भी नहीं लग रहा, आपका नहीं लग रहा, आपने झूठ किए हैं, ये तो आपके काम लगेंगे। नमस्ते, कैसे बात है सर? बहुत बढ़िया। तो बताएं कि यह जो गर्माहट है ना आपकी देखने के लायक बना है, इतिहास बनता है हर बार चुनाव ये वाला, जो यहाँ से खड़ा होके कहाँ जाएगा के रूप लेगा एंड में आता 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 ये सभी शाम को 6 बजे बाद उसी हाल के अंदर मिलते हैं नाचते कूदते हुए, चाहे कोई हारे चाहे वो जीते, लेकिन हारने जीतने से पहले की प्रक्रिया यह है कि सब रहे होता ना। ना ऐसा कुछ भी नहीं है, भाईचारा इलेक्शन रहता है, मैं तो 22 साल हो गए यहाँ देखते हैं, तो कोई ऐसा मैंने कभी महसूस नहीं किया, भाई तनाव कभी महसूस नहीं किया इलेक्शन में। अब की बार यो ऊट की नकल बटलेगा या किस तरह कहीं लगा कहीं चौका लगेगा या आउट होंगे या मतदाता बताएंगे जी। अच्छा आप मतदाता को नहीं? मैं मतदाता हूँ, पर मैं अपना फैसला गुप्त मतदान की व्यवस्था है जी, और भाइयों को नाराज नहीं करूंगा मैं किसी को भी। आज सही फंस गए मेरा और मैं भी आपका सही फंस गया, क्योंकि आज मेरा इत्तेफाक बना है, मैं आया तो था दुप्पर जी के पास है, तो मैंने यहाँ पे कुछ 4 पैसे दिखे ना मैं सीधा नमस्ते करना अड़ आ गया, तो सारे विभूति मेरे को यही इकट्ठी छत के नीचे मिलेगी। बताए चुनाव आप युवा है, कोई तैयारी शुरू करो छठे छुट्टे या किस तरह क्या है? नहीं मैं कुछ तैयारी नहीं कर रहा जी, जो वकील साथी खड़े हैं उन्हीं के सपोर्ट में जी। कौन कौन साथी खड़े हो, किस किस का नाम चला है वकील साहब? आप युवा वकील देखो जी, किसी का नाम ऊपर में नहीं आया, प्रधान जी में। अच्छा एक राकेश वत्स का नाम आया, राकेश वत्स का। अच्छा जी दो ही नाम है, दो नाम प्रधान में अभी तक है। अच्छा वो सेक्टरी सुप्रीम है, सेक्टरी में भी एक तो दीपक तंवर का आया हुआ जी। अच्छा जी एक केंद्र मणि है जी, और एक संजय परमार द्वारा लड़ेगा, संजय तंवर का वोट मांगा हमारे से तो लड़ेंगे वो चुनाव, लड़ेंगे ना। और 3 फाइट में ये हो गए, देखो जी मैं सबको नजर रखू कौन कौन फाइट में है या नहीं है। त्योहार है हमारा, साल में एक बार आता है, बड़े हर्षोल्लास से वकील सारे मिलकर मनाते हैं, बड़ा खुशी का रहता है। तो आपकी बार कौन कौन फाइट में है, क्या क्या आपकी बार एसोसिएशन की मांगे क्या 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 रहेंगी जो प्रधान चुनने आएंगे बनने आएंगे? मांगे तो हर बार रहती है और पूरी करते रहते, हमारे सत्यजीत पुराने 3 बार से बन रहे हैं। क्या अब अगली मांग क्या रहेगी आपकी वो बताओ, क्योंकि बैठे आगे तो मांग उन्होंने बताई थी, मैंने बस काट दिया, मैंने ये काम करवाया है, अब अगली मांगे क्या करेंगे आपकी बार के लिए? स्वच्छता और सफाई की है। अच्छा अच्छा वो होती आ रही है और वही डिमांड रहती है और वो होती रहेगी। ये मांग है या को रखो तो पार्टी की बननी चाहिए, छत बननी चाहिए, बिल्डिंग दिखनी चाहिए, बिल्कुल बिल्डिंग की तैयारी है और वो बिल्डिंग बनने की हमारी मांग है और चैंबर ने बनने भी।
नमस्ते भाई साहब। अजय जी, सबसे पहले तो आपका हमारे वकीलों परिवार में स्वागत है कि अब हमारी इस उपलक्ष के ऊपर हमें आज कवरेज के लिए आए और आपके क्वेश्चन के लिए तैयार है, पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन यही जो इनसे क्या वो आप बता देते। अजय जी, क्या है कि समय के साथ में जो हमारे नेक्स्ट ईयर के प्रधान जी हमारे बैठे हैं पलानिया जी, वो ये है कि एक व्हीकल बहुत बढ़ गए हैं समय के साथ में। हमने भी जब देखा प्रैक्टिस में 2006 में आए थे तो उस समय यहाँ पे जो पार्किंग है वो सब खाली रहा करती थी। अब समय की जरूरत, चलो जगह कम है, एक मल्टी स्टोरी पार्किंग है, वो मैं प्रधान जी बैठे आपके सामने मीडिया माध्यम से कहता हूँ कि आप इसके ऊपर विशेष फोकस करें, क्योंकि हर आदमी की समस्या है गाड़ी पार्क करने की, जो हमारी वो जो भी लेफ्ट राइट जो पार्किंग है अपना, इवन है जो हुड्डा के पास है वो भी है फुल। तो व्यक्तिगत रूप से मेरी तरफ से मैं प्रधान जी से कहना चाहूंगा कि एक तो प्रायोरिटी के ऊपर इस चीज को रखें। ये अच्छी बात है सर, क्योंकि अगर हम सवाल रखेंगे ना तो बनने वाले के ध्यान में रहेगा और बनने के बाद में जो काम होगा उसके ऊपर ध्यान रहेगा, अमल में बहुत जरूरी है। सर नमस्ते। नमस्कार सर, बताएं सर आपकी क्या क्या आपकी बात, जो वोट मांगने आएंगे, कौन कौन वोट मांगने आ लिए, किस तरह तरह है? 2-3 सेक्टरी आ लिए, पिलानिया साहब आ लिए, वत्स साहब आ लिए, और हमारी तो यही डिमांड है कि चैम्बर बने और साफ सफाई रहे, पिलानिया साहब अच्छा काम कर रहे हैं। और ये सर, ये चुनाव जो ये मन में बस के बसा होया कर रहा है, जो कैंडिडेट होया कर रहा है, या फिर वास्तवता में है भी भाई चला इकट्ठा होकर कदम ना यार भाई उसने वोट करांगे, वो इस तरह सोच होता भी हो इस तरह। देखिए, जो भी कैंडिडेट अच्छा काम करेंगे और पूरे 12 एसोसिएशन के भाईचारे को बना के रखेंगे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करके रखेंगे, उनको मौका देना चाहिए, चाहे उसमें पिलानिया जी भी हो, चाहे राकेश वत्स जी हो या और अन्य कोई भी कैंडिडेट आए, सब उसमें किसी आदमी है ये तो है विष्णु भगवान की तरह शेष ना की तरह फड़ा के बैठ गए, काबू कर लेने तो सीट नहीं, काबू की बात नहीं है जी। देखिए, मैंने पहले कहा जो भी काम करेगा, चाहे पिलानिया जी हो या कोई अन्य मतलब प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हो, जो भी काम करेगा उसके लिए बार समर्पित है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बात पूरी कर दूं, मैं भूल जाऊंगा तो यहाँ पे सर क्या था कि जो मैं पता नहीं जी उस टाइम चुनाव प्रधान आप थे या कोई आपके वोट प्रधान थे, तो मैं इधर काम करने आया करते ना, आपके बात में ताला लगा मैं मिलाया करता ताला, तो मैंने एक दिन इन ताला की न्यूज बना दी, तो मैं किसी सत्य को कहा तू अजय किसने पंगा ले लिए, तो वकील पंगा ना लिए, लेकिन मेरी आवाज भी जायज थी, मांग भी जायज थी, और वकील साहब आपने जिस टाइम बाथरूम सुधार करवाया, ये भी रियलिटी है कि आपके जो बाथरूम बनवाए थे आपका काम कराया था वो पूरे कोर्ट के वकीलों के और आने वाले लोगों के चर्चा का विषय बना था। ये बात है, मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक लाइन होती है, मैं आज बार में आया हूं तुम्हारे यहां पे, तो एक मैं आपको कहूंगा आप एक बार विजिट कीजिए, ये एक हमारे जो लाइब्रेरी का हॉल है वहां पे एक लाइन लिखी हुई है, आप जैसे कि जनरली हम एक टाक कर रहे हैं चौहान मैडम, टाक कर रहे हैं भाई ये होना चाहिए वो होना चाहिए प्लान, तो आप एक बार विजिट कीजिए और वहां पे एक लाइन लिखी हुई है। अब मैं भाई पलाना जी को वोट डाल रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मैं तो इनकी सपोर्ट करूंगा, मैं फिर भी आपको एक बात कहता हूँ कि वहां पे एक लाइन लिखी हुई है कि वर्क स्पीक्स मोर देन वर्ड्स, तो पूरी बात को मैं इसी में शामिल करना चाहूंगा, आप बार में विजिट कीजिए तो आपको वर्क स्पीक्स मोर देन वर्ड। अजय जी, मैडम आइए, इनका इंटरव्यू जरूर लो आप। अजय भाई, बीच में महेश भाई का ये जो चेंबर है इसकी क्या हालत थी मेरे प्रधान बनने से, यहाँ पर शिल ना के इसकी बुरी हालत थी, आज आप देखो कितना सुंदर ये बन गया, मैंने सारी सारी इसके पीछे जो पानी की और शिवर की जो व्यवस्था थी उसको सारी ड्रेन सिस्टम को चेंज करके, और इसके अंदर आज कहीं भी आपको शिलन दिखाई दे जा किसी बिल्डिंग में भी, तो मैं बड़ी गहराई से काम करता हूँ, जो भी काम करता हूँ तो उसमें पैसे ज्यादा लगे, अच्छी क्वालिटी का काम होगा, ये मेरा वादा है। मैंने किसी भी वकील साहब जिसने वोट डाला या नहीं डाला वो कोई इशू नहीं होता, जो समस्या मेरे जहन में आई, जो दिमाग में मेरे किसी भाई डाल दी, मैंने तुरंत उस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। ऐसे पीछे से गड़बड़ थी तो प्रधान जी को बोलना था, प्रधान कोई भी हो जिससे ठीक हो गया, बारीकी नजर होगी ना वो अपने आप श्रेय कर, प्रधान जी को बोला था भाई तबीयत इसकी खराब है दीवार की, आइए चार चांद आपने लगवाए जी, और क्या मेरी वाइट, मतलब मैं तो कुछ भी कहता, इत्तफाक से मुझे ये मिले, इत्तफाक से मैं यहाँ पे आया, जो मैंने पूछा इन्होंने सभी ने मेरे को बताने का काम किया, ये रियलिटी मानना, सब कोई पक्षपात वाली बात नहीं है, तो आप अपने मन की बात तो बताएं, क्योंकि आप कहने के फैट में रहते हैं हर बार, क्या बताऊं तो इलेक्शन के बारे में क्या तैयारियां हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि मोदी जी कहते हैं इस देश की 50% महिला को आरक्षण की बात है, चाहे उनका बराबर का योगदान की बात है, अब तो चुनाव आयोग चुनाव कार्यालय ने भी इसको वो दे दी है कि छूट दी 33% की मैम, तो आप तो अगर लिए हैं
ऐसा है कि चुनाव लड़ने का अधिकार तो सभी को है, कोई भी लड़ सकता है। बाकी महिलाओं का जो आरक्षण है, मुझे नहीं लगता कि हमारे बार में ये संभव हो पाएगा, क्योंकि ना तो अभी इतनी महिलाएं हैं, ना ये पुरुष लोग उसको आरक्षण देना चाहते हैं। और रही बात पिलानिया जी की, तो पिलानिया जी 3 बार से प्रधान बन रहे हैं, इस बार भी वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और लड़ रहे हैं मेरे ख्याल से। लेकिन ये जो हमारे बार का जो इलेक्शन है वो भाईचारे का इलेक्शन है। ठीक है, ये कर रहे हैं कि हाँ बस मुझे ही बनाना चाहिए, वो इनकी अपनी वो है। लेकिन इंसान को एक तो वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, और एक एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। डालोगे या नहीं डालोगे मेरी, पहले तो बताओ। और ठीक है, बस हो गया, अब किसी और को मौका दो, इनको त्यागना चाहिए अपना टाइम, औरों के लिए मौका होना चाहिए। डिबेट सी बन गई, अच्छी बात है। देखो मैडम के जो विचार है मैं उनका स्वागत करता हूँ। अगर तो मैडम ने ये बात तो मोदी और खट्टर साहब के बारे में भी कहना चाहिए, किसी और को मौका मिल जाए। मैं तो पहले ही कह रही हूँ ये हमारी बार का इलेक्शन है, बार के लिए मैं बोल रही हूँ, तो बार में हर किसी को मौका मिलना चाहिए। ये नहीं कि हर बार सत्ता का प्रलोभन नहीं होना चाहिए इंसान के, ये सत्ता नहीं है, ये सत्ता नहीं है। हमारी बार का इलेक्शन है, भाईचारे का इलेक्शन है, तो हर किसी को मौका मिलना चाहिए। मौके के लिए मैं मना नहीं करता, जो इस भाई ने इलेक्शन लड़ना बोल लड़ो, मैं किसी को मना तो कर ही नहीं रहा, आप मत लड़ो। अजय जी मौका तो बाद में देना है, मौका तो बाद में देना है, सबने सोच के भी किसको बनाना है, तो मौका तो बाद में देना है। मतलब अहम बात नहीं कही कि आप लोग हैं जो महिलाओं की बराबरी की बात है, यहाँ पे नहीं देने का काम करे, क्या काम मानते महिलाएं नाराज है आपकी? अजय भाई यहाँ पर देखो, जैसे इस देश में जो सिस्टम है, जो प्रणाली बनी हुई है, एससी समाज के लिए अलग से कोटा है, बैकवर्ड के लिए अलग से कोटा है, मैं महिलाओं के लिए अब कोटा लेके हैं, उसका भी मैं स्वागत करता हूं। और हमारी जिला बार एसोसिएशन में मैंने तो कोई इतिहास बनाया नहीं, बाबू फूलचंद शर्मा थे, उन्होंने ये बनाया था कि भाई यहाँ कोई भी इलेक्शन, वकील जो हो गए वो सारे सक्षम होते हैं, यहाँ पर कोई किसी के लिए रिजर्वेशन नहीं है, ना एससी के लिए रिजर्वेशन है, ना ओबीसी के लिए रिजर्वेशन है। और महिलाएं इलेक्शन लड़े, कोई मना नहीं करता, महिलाएं इलेक्शन लड़े, कोई भी मना नहीं करता। और ऐसी कोई प्रणाली है नहीं यहाँ भाई, कोई रिजर्वेशन मैंने तो सुनी नहीं आज तक। मैडम तो मेरे से बहुत पहले पदाधिकारी रही है, नहीं नाराजगी नहीं है, नाराजगी किसी बात की नहीं, विचार तो हर कोई अपना रख सकता है। और विचार के अंदर नाराजगी दर्शाई जा सकती है, जो दर्शाई जा सकती है, लेकिन मैं नाराज किसी से नहीं हूँ, ये अपने स्वतंत्र विचार है, हर कोई अपना विचार रख सकता है, ठीक है ना। तो रही बात पिलानिया जी की, सभी लोग आए, कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रही कि हमको आरक्षण दिया जाए, क्यों, हम किसी से कम नहीं है कि हमें बार में भी आरक्षण चाहिए, कोई जरूरत नहीं आरक्षण की। लेकिन मेरा तो सुझाव यही है कि एक बार छोड़ना भी चाहिए, औरों को भी मौका मिलना चाहिए। क्या पता मैम लोग छोड़ने दे रहे हो इनको, चलो वो तो इलेक्शन में पता लगेगा। एक पाक तो लगे इत्तफाक लग गया, एक पाक तो इत्तफाक लग गया हुआ, दूसरी बार किसी बालाजी के मंदिर में या किसी मंदिर में जाके अपने धार्मिक स्थल पर जाके माता टेक के आओ, बाबा ने दे दिया आशीर्वाद गुरु में, वो होगा। तीसरी बार का नो होगा, जी लोग काम के आधार में लिखा, लेकिन ऐसा चौथी बार भी अगर बंदा तैयारी ट्राई करा है तो मैम कुछ दो दाने लेके ट्राई करेगा, ट्राई कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही इनको, चलो 3 बार मौका मिला, कैसे भी मिला, जैसे भी हो, तो किसी भी व्यक्ति को अगर 3 बार मौका मिलेगा तो वो काम करेगा, क्यों नहीं करेगा, टाइम मिलेगा, क्योंकि टाइम पीरियड कम होता है, एक साल में बंदा इतना काम नहीं कर सकता। ठीक है, इन्होंने काम किया, काम की मैं मना ही नहीं कर रही कि काम नहीं किया, किया है, काम किया है, लेकिन अगर किसी दूसरे या तीसरे इंसान को भी इतना टाइम मिलता तो वो भी करता। अब की बार आपके क्या क्या तैयारियां हैं, देखते अभी टाइम है, बैठे पंचायत मंत्री, यही बोल रही हूँ अभी टाइम है, जो भी होगा सामने आ जाएगा। क्या तरह बताएं, देखो जो जो व्यक्ति अपने मतलब विद्यार्थी काल से ही अगर इस दौड़ में रहा है इलेक्शन वाले में, तो मन में तो सबके ही रहती है, लेकिन यहाँ क्या है कि कोई भी हो, चाहे यहाँ की राजनीति हो, चाहे अपने देश की राजनीति हो, तो रणनीति तो बनानी ही पड़ती है, तो जो भी होगा टाइम पे आ जाएगा सामने। मैम रणनीति के हिसाब से भी चुनाव लड़ सकती हैं, या किसी प्रकार की और तैयारियां होंगी, या किसी और को साथ दिया जाएगा, लेकिन यह थी चर्चा का विषय, सूत्र बन गया।
बिल्कुल अजय जी, बिल्कुल ठीक बात आपकी। और मैं एक बात कहूंगा, जैसे कि जो हमारी चौहान मैडम ने, ये हमारी बड़ी लीडिंग रहती है हमेशा बाहर के अंदर, बड़ी एक्टिव रहती है हमेशा हर चीज के अंदर। आई पर्सनली वेरी अप्रिशिएट, इन्होंने एक जो बात कही कि जैसे कि हमारे जो पार्लियामेंट है, जनरली जो हम कह रहे हैं कि जो महिलाओं का आरक्षण है, इस किस्म का जो भी एक इशू है वो वहां पर डिस्कस होता है पार्लियामेंट में, पहले लोकसभा राज्यसभा, बाद में लॉ बनता है। तो मैं आपके बार जब भी मौका मिले तो मैं अपने जो जनरल हाउस की मीटिंग हूँ उसमें ये रखें मुद्दा हम, ठीक बात है आपकी। तो जनरल हाउस की जो मीटिंग होगी वो फैसला करेगी, वो हो जाए अच्छी बात है। मैडम बताइए, एक दर्द और भी है भाई, तीन बार थोड़ी ना कुर्सी पे ठहक रहा है, उसके लिए ये है। देखो मैं अपनी या तो त्याग दो या फिर मैं अपने एक उसमें उसमें शब्दों में लिया, आप अपने शब्द कुछ भी कर लो, ये मेरे शब्द नहीं थे, आप उसको चाहे घुमा फिरा के कुछ भी। हाँ, मैडम की बातें लगा लीजिए, मैडम की बात, मैडम ने सुझाव दिया जी, बस मेरे मंत्री देसी भाषा छलक छलक जाती है, इसलिए जो जो टूटे हुए शब्द ना वो उठा लेता हूँ, क्योंकि मैं ग्रामीण धरा से जुड़ा हूँ, इसलिए आरण में ज्यादा निकलती है, उसको दिन दिन नहीं निकल पाती थी, इसलिए मैंने वो उसमें। अजय जी ये देखो कि एक वोटिंग राइट है, जिसको वोट मिलेंगे वो बनेगा, ये आपस में चुनाव भाईचारे का है, इसमें ठीक है और भी खड़े हो जाओ भाई, ऐसा कोई बैन हो, मान लो पिलानिया जी हैं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, ये सब कहते बोलो भाई नहीं तेरे को चुनाव नहीं लड़ना, तेरे को चुनाव नहीं लड़ना, तेरे को चुनाव नहीं लड़ना, तो वो तो हम माने की एक तानाशाही हो गई। ओपन ग्राउंड आ जाओ, मई फार्म भर दो, बाटवाजी भर दे, चौहान मैडम भी भर दे, लड़ो चुनाव, क्या दिक्कत है किसी को, कोई मना तो नहीं कर रहा किसी चुनाव लड़ने के लिए, लड़ो भाई, जिसको वोट मिलेंगे वो बनेगा। ऐसा जी, मैं ये इन्हीं की बात का जवाब दे रही हूँ कि ये तो हम कह ही नहीं रहे कि ये ना बने, हम ये कह रहे हैं कि अगर इतना टाइम अगर किसी और बंदे को भी मिलता तो वो जरूर इतना काम कर पाता जितना कि पिलानिया नेवी ने किया है, मेरा कहना ये जी। जी नौ अधिवक्ता है, इस चुनाव के ऊपर किस प्रकार से नजर रखेगा, क्या अपनी भूमिका निभाएगा और क्या क्या अपने आप की बार के काम इससे लेने का काम करेगा, क्या क्या बात करेंगे जी? जो युवा है वो तो जो आते हैं वो बार का विकास देखते हैं, जो प्रधान जी हैं वो इस तरह से हैं, उनकी कोई लीगली जनवन जो जरूरत है, उनको कोई समस्या आती है तो उनको तत्पर जो है प्रधान ऑफिस में उपलब्ध हो, और उनके कोई लड़ाई है जाए तो उसमें अपना सहयोग दें जी। चुनाव के आपके मुद्दे क्या कह रहे हैं, क्या क्या आपकी जो क्या क्या विकास देख रहे हैं आप आने वाले वक्त में चुनाव प्रधान से? नए वकील तो जो आ रहे हैं उनके लिए अभी चैम्बर जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन फाइल जो है चली हुई है, नए चैम्बरों की है, उसके बाद जो आ रहे हैं तो उनके एनरोलमेंट के लिए जो कोई यहाँ दिक्कत ना आए, इस तरह के काम है, नए वकील तो जो यहाँ आता है सीधी सी बात है उसको यहाँ आते ही कोई दिक्कत ना हो, बैठने की जगह मिल जाए, बैठने की नहीं है तो जब तक उनकी ऐसी अरेंजमेंट करवा देते हैं कि उनको कोई असुविधा ना हो अपनी वकालत करने में, मेन तो नए वकील को यही है। तो वकील साहब आपकी पूरी पूरी चौथी बार की तैयारी है? पूरी पूरी बिल्कुल, मैं सबसे पहले मैं ऐसी इलेक्शन नहीं लड़ता कभी भी, पहले मैं राय शुमारी 2 महीने पहले हर वकील के पास जाके राय शुमारी करता हूँ, देख सका हाल बैठ के, और राय शुमारी करने के बाद जब मेरे वकील साथी ये कहते हैं कि आपने ये डेवलपमेंट के जो काम चले, वेलफेयर के जो काम के, ये रुकने नहीं चाहिए, आपने इलेक्शन लड़ना है, तो मैं सबसे डिस्कस करके फिर मैदान में आया हूँ, और कभी भी मैं मैदान को कमजोर लेके इलेक्शन नहीं लड़ता, बखूबी पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ता हूँ, और इसमें कोई वो घमंड नहीं है, ये जो पूरी टीम जो टीम वर्क जो है और युवा साथी हमारे जो सीनियर साथी हैं उनके आशीर्वाद और उनके प्यार से फलीभूत होकर रिजल्ट आता है, और हमेशा मैं कोई भी वकील साथी हो चाहे वो मेरे को मैं उसको जानता हूँ या वो मेरे को नहीं जानता हो, फोन आ गया रात को 12 बजे भी 1 बजे भी, मैं उसी टाइम खड़ा होकर वकील के साथ खड़ा हो जाता हूँ, और ये तो एक ऐतिहासिक बात है, 3.5 साल के दौरान किसी वकील का चलान भी जो गलत काट दिया करती थी पुलिस वो नहीं कर सकती, वकीलों पर झूठे मुकदमे दर्ज थे वो सारे मैंने कैंसिल करवाए हैं, तो कहीं भी मेरे को लड़ाई लड़नी पड़ी, और मैं तो एक चैलेंज करता हूँ, एक प्रधान का क्या काम होता है हमारे वकीलों की हितों की रक्षा करना, मैं 3.5 साल से कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ, मैं पहला ऐसा प्रेसिडेंट हूँ जो वकालत नहीं करता, और जब मैं पहली बार इलेक्शन में आया तो मैं ये वादा करके इलेक्शन में आया था जब तक मैं प्रेसिडेंट रहूंगा मैं किसी कोर्ट में अपीयर नहीं हूँ, तो पहले खुद ने त्याग करना पड़ता है मैदान में जाने से पहले, अब मैं इस एजेंडे को लेकर आ रहा हूँ, मेरा एजेंडा अलग है, मैं ये चाहता हूँ भाई मैं जितना टाइम मेरे को मिले उस टाइम के दौरान मैं सिर्फ वकीलों की सेवा करूँ, ना कि मेरे प्रोफेशन के अंदर मैं घुसूँ, तो हमेशा मेरा एक ही ध्येय है वकील साथियों को कोई असुविधा ना हो,
उनके लिए नए वकील साथी सीटिंग की प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं मैं किसी वकील साथी से बात करके चैम्बर में टेम्परेरी एडजस्टमेंट करवाता हूँ। अभी चैम्बर निर्माण उनके लिए करवाने का प्रयास चल रहा है, हाल के अंदर सीटिंग व्यवस्था करवाता हूँ। तो मेरे को तो और कोई काम ही नहीं है, सिर्फ वकीलों की सेवा करने का मामला, चुनाव लड़ना वकील सेवा करना है। यानी ये तो वो हेलमेट ग्लाउज बैट बूट लेके एक नंबर पर पहला खड़े हैं। अब आने वाले अधिवक्ताओं को देखना है चुनाव किस प्रकार से लड़ना, किस प्रकार से अब की बार वोटिंग करने का काम करना, क्योंकि कहीं ना कहीं हर प्रत्येक वकील के वक्ता के अलग अलग विचार थे और अलग अलग मत था। लेकिन ये है जी, भाईचारे का संदेश देखना हो तो आप अधिवक्ता का चुनाव देख सकते हैं। एक चीज और करके जाना, ई लाइब्रेरी को देख के जाना, साफ सफाई की व्यवस्था देखना। आप अचानक रेड करो हर जगह, ये नहीं होता। प्री प्लान को तैयारी है पूरी साल में, आके किसी दिन किसी चीज के ऊपर आके एक आप उसको न्यूज बनाओ। ये बात आपने छूट मेरे को पहले दी रखी। हाँ, कभी भी बना सकते हो, कहीं भी कोई गंदगी हो, कोई ऐसी व्यवस्था खराब हो, कुछ भी हो, आप किसी टाइम दिखाओ मेरी कमी है या मुझवानी मेरे को बताओ, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। ये मेरा वादा है। थैंक यू। तो जी ये विचार थे, और ये 15 दिसंबर का चुनाव है, इसे बीच बीच में काफी बार आता रहूंगा, क्योंकि 2-2,000 वकील मैम कितने हैं? 2700 वकील है। हाँ सर, आपकी बात रहेगी। सर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो भी प्रधान जी बने तो मेरी ये रिक्वेस्ट है उनसे कि जब पूरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो भी अधियोक्ता साथी जाए उनका फर्स्ट प्रायोरिटी से काम होना चाहिए। ये मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी कैंडिडेट होंगे तो ये मेरी आवाज उन कैंडिडेट तक पहुंचानी तो चाहिए। अब की बार पूरी पूरी रहेगी, मैं टक्कर से नहीं, बातों से अगर जिस प्रकार से छलका रहा है उस प्रकार से ये है कि आप अकेले फाइट में नहीं है, और भी फाइट में है भाई साहब, वो तो हमेशा ही फाइट में होते हैं मेरे से। और मैं तो कभी इलेक्शन को कमजोर तो मानता ही नहीं, मैं लड़ाई लड़ता हूँ वकील साथियों को लेकर मुद्दों के ऊपर, ऐसे नहीं अगर किसी और कोई ड्रामा बना के इलेक्शन लड़ता हूँ, मैं मुद्दों के ऊपर इलेक्शन। कोई बात तो नहीं रहेगी, स्वागत आपका। थैंक यू। तो जी ये मुद्दा था, ये चुनाव का माहौल बनने जा रहा 15 दिसंबर बार एसोसिएशन चुनाव के अंदर। तो जी बात पूरी हो गई थी, वीडियो आ गई थी, लेकिन एक और आगे कहीं ना कहीं प्रधान के कैंडिडेट के रूम में। सर नमस्ते। नमस्कार जी। पहले जो आपके बारे में बताएं। मैं राकेश वत्स एडवोकेट बार एसोसिएशन भिवानी से अपने प्रधान पद के कैंडिडेट हूँ जी, और बार एसोसिएशन के हित में मैं काम करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। और हमारी बार एसोसिएशन एक संस्था है, इसके लिए बहुत ही कामों की जरूरत है, क्योंकि बार एसोसिएशन के लिए कोई सेफ्टी फीचर नहीं है, नहीं किसी प्रकार का इसमें कोई काम अच्छी तरह हुए हैं। और हम बार के लिए अपने जो आदमी एक्सपायर हो जाते हैं, ओवर हो जाते हैं, उसके लिए कोई इंश्योरेंस बीमा नहीं है। वो बीमा सारी चीज़ करवाने के लिए, अधिवक्ताओं के लिए, एक संस्था के लिए काम करने के लिए मैं अपने आया हूँ। बार एसोसिएशन एक हमारी संस्था है, अपनी निजी संपत्ति न समझे, ये खाली वकीलों की संस्था है और इसी के लिए काम करने के लिए आगे आए हुए हैं। ये एक राजनीतिकरण नहीं है, ये हमारे हित में, एक आदमी के हित में होके न होके सभी वकीलों के हित में काम करे जाए। हम इसमें बार एसोसिएशन में टीम, वॉलीबॉल की टीम, फुटबॉल की टीम ये भी बनाएंगे, CHC भी बनाएंगे इसमें। और हमारे वकील साथी जहाँ ट्रेजेडी हो जाती है उनके लिए इंश्योरेंस की स्कीम भी तैयार करेंगे जी। लेकिन ये बात तो मैं हाँ बताओ, आप बताओ। मैं कह रहा था कि ये हकीकत है, दोनों अगर कैंडिडेट की बात करूँ दोनों का मैनिफेस्टो अलग अलग है, क्योंकि जिसकी बात अच्छी लगेगी उनको वोट मिल जाएगा। हाँ, अपना अपना सब अपने अपने विचारधारा हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, और आपके मैनिफेस्टो में अलग है, उनके मैनिफेस्टो में कुछ अलग है, तो जो अब की बार जरूरत होगी उसी हिसाब का आधार को वोट माना जाएगा। हाँ, हमारी बार को जरूरत है, इसका राजनीतिकरण न कराया जाए। बार एक वकीलों की संस्था है, और किसी भी जुडिशरी और वकीलों के एक हमारे अच्छे संबंध स्थापित हों, न कि अपने संबंध स्थापित हों। हम जुडिशरी और अधिवक्ताओं के मान सम्मान के लिए इसमें आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे, और इसकी हरेक हमारी जो जरूरत है वकीलों की, जो हमारे जूनियर साथी हैं 1-2 साल से आ रहे हैं, वो आदमियों को नई नई प्रैक्टिस करते हैं, उनके किसी प्रकार का कोई नहीं है, उनका भी भत्ते का हम काम करेंगे। जो बार एसोसिएशन में, जो हमारी अब तक बार एसोसिएशन सरकार के माध्यम से हमारे कोई पैसा नहीं आ रहा, हम पैसा नहीं तो 3 साल की योजना में हमारे 10 करोड़ रुपये लग लेते हैं। अब तक हमारे खाली 40-1 लाख रुपया काम हुआ, जो 26 लाख रुपये पहले के देखे गया और बाद में कोई पैसा ही नहीं आया। अगर हमारी सरकार का और एक प्रधान का संबंध अच्छा होता तो हमारे 10 करोड़ रुपए के यहाँ लगने होते,
अब तक नहीं लगे, क्योंकि कोई राजनीतिकरण करता है ना तो फिर ऐसे नहीं आते। वकील का चाहे किसी भी पार्टी हो किसी भी हो, हमारा किसी से लेन देन नहीं होता, हमारा बार के हित में काम करने का होता है, तो हम आगे बार के हित में काम करेंगे। काम करेगा, काम करेगा। देखो जी, डिबेट तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन जिसका मैनिफेस्टो में काम दमदार होंगे वो प्रधानी पद की दावेदारी ठोके भी गए और बने भी गए। तो जे एन सी से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट, यानी दोनों प्रतिद्वंदी आपस में यही बैठे एक चैम्बर के अंदर, ये सब भाग गए इस चैम्बर इस कोर्ट परिसर का। ऐसा है, ये तो भाईचारे का चुनाव है, ऐसे ही रहते हैं सारा साल, ऐसे रहते हैं। जो प्रतीक है एकता का, हाँ एकता का, अभी बैठ के चाय भी पिएंगे, आपको पिलाएंगे भाई। तो ऐसी भाईचारे की मिसाल हर चुनाव के अंदर होनी चाहिए, चलो चुनाव छोटा हो चाहे चुनाव बड़ा हो। जे एन सी से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।